हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ कि आप अपने पीसी, लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर अगर आप विंडोज 10 या फिर 11 अगर यूज़ करते हैं तो आप अपने पीसी के अंदर हॉटस्पॉट को टर्न ऑन और टर्न ऑफ कैसे कर सकते हो। यह फीचर हमें बेसिकली विंडोज 10 और 11 के अंदर देखने को मिलता है। तो अपने पीसी के अंदर हॉटस्पॉट को ऑन और ऑफ करने के लिए सिंपली हमें सबसे पहले यहाँ पर विंडो की पर प्रेस करना होगा और उसके बाद यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करना होगा और सेटिंग पर क्लिक करने के बाद हमारे पीसी के अंदर यहाँ पर ये विंडोज की सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और नेटवर्क एंड इंटरनेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले मेक श्योर कर लेना होगा कि आपके पीसी के अंदर वाईफाई की फैसिलिटी अवेलेबल हो, क्योंकि हॉटस्पॉट तभी आप ऑन और ऑफ कर सकते हो जब आपके पीसी के अंदर वाईफाई की फैसिलिटी अवेलेबल हो। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा मोबाइल हॉटस्पॉट का। अगर आपने अपने पीसी के अंदर अगर वाईफाई लगवा के रखी है तो जैसे आप मोबाइल हॉटस्पॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके पास यहाँ पर मोबाइल हॉटस्पॉट का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने पहले से यहाँ पर ऑन करके रखा हुआ है। मैं इसे यहाँ से ऑफ कर देता हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आप इस वाले इस ऑप्शन को यहाँ से या फिर इस स्विच को जैसे आप यहाँ से ऑन कर दोगे, तो जैसे आप यहाँ से इसको ऑन करोगे तो आपके पीसी का जो पर्सनल हॉटस्पॉट है वो क्रिएट हो जाएगा और आपका पीसी से आप अदर डिवाइस में आराम से इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि सबसे पहले आपको अपने पीसी को एक इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्ट करके रखना होगा, क्योंकि तभी आप अपने पीसी के इंटरनेट को दूसरे डिवाइस में शेयर कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपने पीसी के अंदर इथरनेट केबल या फिर लैन केबल या फिर वाईफाई से अपने पीसी के अंदर इंटरनेट करके कनेक्ट करके रखना होगा। तो जैसे आप इंटरनेट कनेक्ट कर लोगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा मोबाइल हॉटस्पॉट का, और जैसे आप यहाँ पर से ऑन पर क्लिक करोगे तो ये यहाँ पर ऑन हो जाएगा और उसके बाद आपका पीसी का एक पर्सनल हॉटस्पॉट क्रिएट हो जाएगा, जिसे कि आप आराम से अपने मोबाइल से कनेक्ट करके भी आप आराम से यूज़ में ले सकते हैं। और आपको यहाँ पर एक नेटवर्क का नेम और यहाँ पर पासवर्ड मिलेगा। तो जैसे आप एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप इन डिटेल्स को यहाँ से एडिट कर सकते हो, यानी आप अपने पीसी के अंदर हॉटस्पॉट का पासवर्ड भी क्रिएट कर सकते हो। सो इस तरीके से आप अपने विंडोज 10 या फिर 11 के अंदर मोबाइल हॉटस्पॉट के ऑप्शन को ऑन और ऑफ कर सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।